आज भी मेरे बच्चे को एक ही बोलता हूँ कि जब भी मरूंगा अस्थिया वहाँ पे बहाना। आज भी दोस्त है पाकिस्तान में, मुल्तान से है, कोटद्दू से है, लाहौर से है, लियालपुर से है। सिर्फ उनसे एक ही प्रॉमिस लेता हूँ कि जब भी मरूंगा मेरा बेटा आपके यहाँ पे अस्थिया बहाने आए। ये मेरा ही हिंदुस्तान है जो न जाने कितने रंगों से सराबोर और कितने धर्मों से लिपटा हुआ है। और इसी हिंदुस्तान में एक मुंबई शहर, और उस मुंबई शहर के अंदर हमारे प्रीतम भाई। प्रीतम भाई मुझे मुंबई में मिले थे जब मैं मुल्तान वाली अम्मा जो चंबूर में रहती थी उनका इंटरव्यू करने गया था। तब उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे मिलूं मुंबई आके, क्योंकि उन्हें मुझसे बात करनी थी। और जो वो बातें मुझसे फ़ोन पे कर चुके थे वही हमने वीडियो में बातें की। और बातें वो जो थी वो बड़ी ही हैरान कर देने वाली थी। आज भी मेरे बच्चे को एक ही बोलता हूँ कि जब भी मरूंगा अस्थिया वहाँ पे बहाना। आज भी दोस्त है पाकिस्तान में, मुल्तान से है, कोटद्दू से है, लाहौर से है, लियालपुर से है। सिर्फ उनसे एक ही प्रॉमिस लेता हूँ कि जब भी मरूंगा मेरा बेटा आपके यहाँ पे अस्थिया बहाने आए। पहली मुलाकात में, पहली फ़ोन वाली मुलाकात में जब उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बंटवारे से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को फिर भी सपने आते हैं कि मैं उस त्रासदी के बीच में जूझ रहा हूँ, वो जो मारकाट हो रही है ना उसके बीच का मैं भी एक हिस्सा हूँ। वो मंज़र मुझे आज भी याद आते हैं। आपकी मुल्तानी समझ में आती है, सिंधी आती है, पंजाबी समझ में आती है, नाम भी प्रीतम है जो पंजाब रिलेटेड है, जन्म भी मेरा गांधी जी का 2 अक्टूबर, मेरा 3 अक्टूबर। आप लोगों ने और मैंने शायद पहली बार कोई ऐसा वाक्य सुना होगा जिसमें हिंदुस्तान का एक हिंदू ये कह रहा है कि उसकी अस्थियों को वहाँ प्रवाह किया जाए जिसका नाम पाकिस्तान है, जहाँ से कम प्रीतम का तो कोई भी लेना देना नहीं है। एक मीन्स हमारे एक दोस्त है रिजवान भाई, जो इंडिया से माइग्रेंट होके कराची गए थे। उनके मम्मी डैडी 5 6 साल पहले जब इंडिया आए थे तो भी उन्होंने एक बात पूछी थी, बेटा आपको क्या लाना है वहाँ। तो उनको सिर्फ एक ही बोला गया था कि आंटी जी कुछ मत लाइए, सिर्फ वहाँ का पानी और मिट्टी लाइए। जो मिट्टी आज मेरे घर में हर झाड़, जितने भी झाड़ है वहाँ पे मंदिर में रखी थोड़ी है, और वो पानी भी हम लोग आज भी पूजा करते हैं क्योंकि वो सिंधु नदी का पानी था। आज हम हिंदू है लेकिन बिना सिंधु के हम कुछ नहीं। ये भी बता दूं कि आप में से शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि तो क्या उनकी अस्थियों को अब तक यूं ही रखा गया है? नहीं जी, उनके परिवार वालों ने एक बड़ा अच्छा काम ये किया है कि उनकी अस्थियों के आधे भाग को उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान में गोदावरी नदी में प्रवाह कर दिया है, और उसके आधे भाग को उन्होंने रख लिया है ताकि वो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर पाए। जो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी तो बड़ी अजीब निराली, लेकिन वो चाहते हैं कि वो किसी तरह पूरी हो जाए। इस माह की 6 फरवरी को, इस माह की 6 तारीख को वो हमें छोड़ के चले गए, यात्रा पर थे जैसे मैंने पहले बताया। और परिवार के लिए बड़ा ये असमंजस वाला काम हो गया है कि वो आखिर करें तो कैसे करें। एक तो वो इतनी दूर रहते हैं हिंदुस्तान का एक कोना, और इधर दूसरा जहाँ उनकी ख्वाहिश थी। उनका जब फ़ोन आया था तो वो मुझसे कुछ बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि ये कैसे होगा। मैंने कहा भगवान जाने ये कैसे होगा, लेकिन आपने अगर ऐसा सोच ही लिया है तो आप इंतज़ार करें, कोई ना कोई वसीला बनेगा और उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाएगा। ऐसी ख्वाहिश करके वो चला गया, और ऐसी ख्वाहिश अकेले में करता तो शायद बात आई गई हो जाती, लेकिन वो ख्वाहिश उसने कैमरे पे की और हम सब लोगों ने सुनी और वो दर्ज हो गई। और उसके बाद कहानी शुरू हुई 3 साल बाद। परसों जब मेरे पास कॉल आया प्रीतम भाई के नंबर से तो हैरानी हुई कि क्योंकि 3 4 दिन पहले ही कमेंट पड़ा था उनके वीडियो पे कि प्रीतम भाई नहीं रहे, लेकिन
लिखा मैंने कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई मुझे बताए। और आखिरकार कमेंट आया, कमेंट पर एक कॉल आया और वो उनकी बीवी थी, और बीवी ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, अब आप बताएं हम क्या करें, कैसे करें उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा। तो इस तरह की कहानियां जब शुरू होती हैं और जिनको अंजाम नहीं मिलता, तो बस सिर्फ फिर बातें रह जाती हैं। प्रीतम भाई चले गए लेकिन अपने पीछे एक ये ख्वाहिश छोड़ गए हैं। और उनकी बीवी का ये कहना, मैंने उनसे कहा कि क्या अभी तक हमने उनकी अस्थियों को प्रवाह नहीं किया, हम इस इंतज़ार में हैं कि कोई पाकिस्तान जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आधी अस्थियां हमने गोदावरी में प्रवाह कर दी हैं। नफरत है सब जगह पे, आज सब दोस्त बोलते रहे तू पाकिस्तान में जा, तेरा ही आप है। तो मेरा एक ही मानना था कि वो भी मेरा ही था, हाँ, उसको बंटवारा करना किसी का हक में नहीं था, वो हमारी ज़मीन थी, हमारे ही लोग थे, हमारा ही कल्चर था। आज भी वो लोग हाथ धो के खाना खाते, हम भी हाथ धो के खाते, लेकिन हम क्यों अलग हैं आज? आज का जनरेशन लंदन जाने के लिए तरसता है, लेकिन हमारा जो खुद का लाहौर था, मुल्तान था, उसे देखने के लिए क्या उसके बारे में बात करेंगे तो भी हम आज देशद्रोही। अजीब सा वीडियो है, प्रीतम भाई अपनी आखिरी ख्वाहिश को हमें दे गए, हमें सुना गए, और अब उसके बाद प्रीतम भाई की वो ख्वाहिश के बारे में मैं आपको बता भी रहा हूँ। और मैं ना चाहते हुए भी इस पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा इस ख्वाहिश के बारे में नहीं है, मुझे क्योंकि उनकी बातों को उस वीडियो से कनेक्ट करके, आखिरकार हमेशा की तरह जब हमारे वीडियो परिवार से कोई जाता है, जब उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, तो ये उन्हें एक ट्रिब्यूट भी है जो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है। हालांकि प्रीतम भाई उस तरह के वो नहीं थे जिनके साथ बंटवारा हुआ हो, कोई वो बुज़ुर्ग नहीं थे, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा ही अजीब सा एक वाक्य क्रिएट हो गया है। और मैं उन्हीं की आज्ञा से, उनके परिवार की परमिशन लेकर ये बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और प्रीतम भाई जहां पर भी रहें, जिस भी शरीर में वो दोबारा जन्म लें, किसी तरह वो अपनी उस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा कर लें जो जीते जी पूरा नहीं कर पाए, यानी कि वो एक बार वहाँ ज़रूर होके आएँ, वो उनकी ख्वाहिश थी, वो चाहते थे कि वो वहाँ जाएँ, वो चाहते थे कि वो अपने उन दोस्तों से मिलें, वो चाहते थे कि वो जिनसे बात। अच्छा, कमाल की बात यह है कि वो मेरे मिलने से पहले से वहाँ कनेक्टेड थे, हमने जब से वीडियो बनाने शुरू किए उससे बहुत पहले से वो कनेक्टेड थे, उन्होंने अपने रास्ते खुद बना लिए थे, अपनी बातों को पहुँचाने के ज़रिए अपने उन्होंने खुद ही बना लिए थे। तो ये प्रीतम भाई को एक श्रद्धांजलि है, और ये बताना कि प्रीतम भाई की आखिरी ख्वाहिश क्या थी, ये बड़ा अजीब सा हो रहा है, और ये क्या पूरा हो पाएगा,